झारखंड से नक्सलियों का पूर्ण रूपेण खात्मा हो इसे लेकर सरकार किस गंभीरता से प्रयासरत है। इसकी बामगी आज उस वक्त देखने को मिली जब नक्सली जिलों के लिए विशेष परिस्थिति में नियुक्त किए गए पुलिसकर्मी आंदोलन का रूप अख्तियार करने लगे। आखिर ऐसा क्यों, जानने के लिए देखिए यह खास रिपोर्ट। चिलचिलाती धूप में खुले मैदान में सैकड़ों की संख्या में खड़े ये वही पुलिसकर्मी हैं जो आज से आंदोलित हो रहे हैं। अब यहां आप जानना चाहिएगा कि ऐसा क्यों, तो आपको बताऊं कि ये वो पुलिसकर्मी हैं जिन्हें सहायक पुलिस कहा जाता है। गुजरे 3 साल पहले नक्सल प्रभावित 12 जिलों में विशेष रूप से तैनाती के निमित्त इनकी अस्थायी यानी अनुबंध आधारित बहाली हुई। 10,000 मानदेय के साथ साथ 3 साल के बाद स्थायी कर देने का सरकार स्तर से वादा हुआ, पर आज 3 साल की अवधि कार्य करते गुजर जाने के बाद भी ये स्थायी नहीं हो सके। आलम है कि अब वो आंदोलित हो रहे हैं, गर्मी में लू के थपेड़े हों। अस्थायीकरण को मांग को लेकर सरकार को हम लोग अस्थायीकरण के लिए एक लेटर लिखे हैं जिसमें सूचनार्थ पुलिस अधीक्षक महोदय गढ़वा को देंगे। हमारी बहाली हुई थी 2017 में पूरे प्रोसेस के साथ, और 2 साल सेवा लेने के बाद सरकार तीसरा साल अनुबंध बढ़ाई। 3 साल के बाद हमारे विज्ञापन में उल्लेख हुआ था कि 3 साल पूरने के बाद आप लोग के परमानेंट सिपाही में बहाल कर दी जाएगी, लेकिन सरकार द्वारा हम लोग के अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, जबकि 30 अगस्त को हम लोग का ये अनुबंध समाप्त हो गया है। इसलिए हम लोग पूरी ईमानदारी से ड्यूटी की है कि 3 साल हमारी सेवा होने के बाद हम लोग परमानेंट सिपाही का दर्जा प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक कुछ निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है, जिस कारण से हम लोग ये धरना आंदोलन काला बिला लगाने जैसे चरणबद्ध तरीका से आंदोलन करना चाहते हैं। और अपने SP महोदय DC महोदय के यहाँ सूचनार्थ के लिए आवेदन लिखे हैं। हम लोग यही मांग है, अस्थायीकरण का मांग है। जब तक सरकार हम लोग की बात नहीं मानती है तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। इसके लिए या तो हम लोग के CM आवास घेराव करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, हमारी मांग यही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बसंत तुरिया है, सहायक पुलिस गढ़वा। हम लोग को झारखंड सरकार जब 2017 ईस्वी में हम लोग को अनुबंध के आधार पर पूरे 12 अति नक्सल प्रभावित जिलों में पूरे नियम से दौड़ कोद मेडिकल सब कुछ के साथ बहाल किया था, और ये उसमें जो विज्ञापन थे विज्ञापन के कंडिका 11 में ये उल्लेख है कि संशोधन करके और उसमें सीधे हम लोग को 3 साल पूरने के बाद सिपाही के पद पर बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार 3 साल हम लोग को पूर गई है और सरकार अभी तक किसी भी प्रकार के कोई निर्देश प्राप्त नहीं है हम लोग को। इसलिए हम लोग अपने वरीय पदाधिकारी से मिल करके सरकार से ये मांग रखना चाहते हैं कि हम लोग का 3 साल पूर गया है और हम लोग को सीधी नियुक्ति आरक्षी के पद पर किया जाए, यही हम लोग का सरकार से मांग है। क्या नाम है आपका? दुर्गेश। या जाड़े के मौसम में हाड़कंपाती ठंड हो। बोलिए। हम लोग यहाँ पे गढ़वा सहायक पुलिस आज अपने पुलिस लाइन में एकत्रित हुए हैं क्योंकि हम लोग 3 साल से यहाँ पे कंटिन्यू ड्यूटी कर रहे हैं। और रही बात की एक कोल्हू के बैल जैसा, मात्र 10,000 रुपये पे पूरे 3 साल तक ड्यूटी लिया गया है, चाहे COVID-19 का ड्यूटी हो या कई भी अन्यत्र ड्यूटी हो, हर जगह भेजा जाता है, हर जगह ड्यूटी किया जाता है। और कोई हमारे भाई बहन बंधु ऐसे नहीं है जो ड्यूटी करने से कतराते हैं। तो सरकार के कहे अनुसार सरकार बोली थी कि रघुवर सरकार कि 3 साल तक ड्यूटी करने के बाद जिला बल के जैसा अस्थाई किया जाएगा, और हमारी मांग है अस्थाई करने को लेकर के, क्योंकि अभी COVID-19 जैसे महामारी चल रही है, इसमें जिला पुलिस को ऐसा सूचना मिला है या फिर जानकारी प्राप्त हुआ है कि उन लोग का COVID-19 को लेकर के कुछ बीमा जैसे प्रावधान किया गया है, लेकिन हम लोग का ना कुछ वैसा COVID-19 को मद्देनजर रख के ना कोई बीमा का प्रावधान हुआ है, और ना ही बाहर ड्यूटी जाने के बाद जिला बल यदि बाहर ड्यूटी जाते हैं तो उन लोग का अलग से अतिरिक्त पैसे का भी मतलब वो भत्ता मिलता है। जैसे बाहर जाने पे अपने थाना को छोड़ के दूसरे थाना में अगर ड्यूटी जाते हैं तो PSC जो भी मिलता है वो सब मिलता है, लेकिन हम लोग को ऐसी कोई प्रावधान नहीं है और ना ही कुछ मिलता है, ना छुट्टी का प्रावधान है ना पैसे। सरकार से क्या मांगना चाहिए? सरकार से हमारी यही मांग है कि हम मुझे भी जिले बल के जैसा जो बोला था वो करना चाहिए, अस्थाई करने की हम लोग का मांग है और अस्थाई करना चाहिए। और क्योंकि वो विज्ञापन में ऐसा उल्लेख किया गया है उसी उल्लेख के अनुसार हम लोग अपना काम कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं, तो हमारी मांग को पूरा किया जाए, और यदि नहीं पूरा हुआ तो उसके लिए हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, या जो भी हो CM का घेराव हो, CM आवास का घेराव हो, क्योंकि
हम लोग का जो कष्ट है, जो दर्द है, उसको समझना चाहिए। यदि वो बोले हैं तो कुछ तो करना चाहिए ना, इसलिए हम लोग अपनी मांग को अस्थाई करने के लेकर के कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मनीषा कुमारी, सहायक पुलिस गढ़वा। तो उधर बरसात में मूसलाधार बारिश की बौछार, किसी भी विपरीत परिस्थिति में हार न मानते हुए अपने दायित्व का निर्वहन कर जीत लेने को आमादा ये जवान अब हिम्मत हारने लगे हैं, क्योंकि वादे से मुकर कर सरकार द्वारा उन्हें वैसे हालात में ले लाया गया है। एक कसक के साथ महिला आरक्षी का कहना है कि झारखंड पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला, उनके कदम के हम कदम बन रहे, ड्यूटी करने वाले हम सभी जवान आज किसी भी तरह की सुविधा से कोस दूर हैं। अगर अब भी सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो पहले काला बिल्ला लगाकर विरोध होगा, उसके बाद भी सुनवाई नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने को हम सभी बाध्य होंगे। एक आस के आसरे 3 साल तक मुंह बंद कर कार्य करने वाले जवान के जबान अब खुलने शुरू हो गए हैं। अब देखना यह होगा कि खुद को बदलाव का वाहक बताने वाली वर्तमान झारखंड सरकार इनकी बातों को तवज्जो देते हुए कब तलक इनकी आस को पूरा करती है।